देवभूमि उत्तराखंड साधकों की भूमि है, चमत्कारों की भूमि है। यहाँ आज भी प्रकृति के ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं कि सिर श्रद्धा से झुक जाता है। यहाँ ना तर्क काम आते हैं और ना ही विज्ञान, लेकिन मन में आस्था हो तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि विज्ञान से परे भी कोई अलौकिक शक्ति है जो दुनिया का संचालन कर रही है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी को पूर्व से ही पांडव धरती कहा जाता है, और अब एक बार फिर पांडव धरती में कुछ और साक्ष्य भी मिले हैं। इससे पहले बटकोट, गंगनानी और लाखा मंडल में कुंड, प्राचीन विशालकाय बर्तन और शिला के साथ मूर्तियां भी मिल चुकी है, लेकिन अब घाटी के पास सिमलसाली गांव के जंगल में गाय चुगाने गए ग्वालों को 3 संकरी गुफाएं मिली हैं, जो क्षेत्र के लोगों के लिए कौतूहल बन गया है। इन गुफाओं का मुख काफी संकरा है, जबकि भीतर से काफी जगह है। गुफाओं में शिवलिंग का होना आस्थावान लोग इसे पांडव काल से जोड़कर मान रहे हैं। यमुना घाटी में लाखा मंडल और दारसों गांव में प्राचीन शिवलिंग की स्थापना पांडव काल की मानी जाती है। गुफाओं में शिवलिंग के साथ अनोखे पत्थर हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के धुन निकल रही है। लकड़ी से पत्थरों को बजाए तो मानो कोई ढोल नगाड़े बज रहे हों। इन पत्थरों से सुबह और शाम दोनों वक्त अलग अलग धुन निकल रही है। आप भी सुनिए इन पत्थरों की धुन। शिवलिंग का है, शिवलिंग का नहीं, ये बजा से खुला ये हां ये आ ये बजा नवीन नवीन वो मोबाइल पे लगा नवीन वीडियो अपने है। यहां पर प्राचीन देखने का शिवलिंग के दर्शन तिया बीट क्षेत्र में आज एक चमत्कार देखने को मिला है। जो पत्थर है ये विशेष प्रकार की एक ध्वनि देते हुए पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर। और यहाँ पर इस चट्टान से पानी की बूंद भी टपक रही है शिवलिंग के ऊपर। ये पानी की बूंदे पानी की बूंद दिखती हुई, और ये पानी सीधा शिवलिंग के ऊपर गिरता है। यहाँ पर ये पानी की बूंद और ये ठीक उसके नीचे शिवलिंग। इधर वाले बजाने पड़ेंगे, इधर वाले बजाना है, इस तरफ वाले नीचे वाला बजाओ, नीचे इधर वाला। जो भी कोई इन गुफा और पत्थर के बारे में सुनता है वो हैरान रह जाता है। दूर दूर से लोग इन गुफाओं को देखने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तिया क्षेत्र के तिया बीट रेंज में एक खानी नामे तोक में सड़क मार्ग से करीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर एक प्राचीन गुफा के खोज हुई है। कल कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, अचानक से एक सुरंग में गिर गए जहाँ पर उनको शिवलिंग के दर्शन हुए। कल शाम को गांव में जब चर्चा फैली तो सुबह से लोग यहाँ पर निरंतर आते जा रहे हैं, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को भी दे दी है। और गुफा के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर से जो है पत्थरों से पानी टपक रहा है। यहाँ पर 2 गुफाएँ निकली हैं जहाँ पर एक पत्थरों की मूर्तियाँ भी बनी हैं, और गुफा के अंदर पत्थरों पर विशेष प्रकार की कलाकृतियाँ बनी हैं, जिसमें जो है मधुर ध्वनियाँ बजाने पर जो है मधुर ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर जो है लोगों की ज़्यादा भीड़ जुट रही है, जिसके लिए हमने शासन प्रशासन को सूचना कर दी है। लोगों से भी अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए
बारी बारी से एक एक करके शिवलिंग के दर्शन करें, और भविष्य में जो है यहाँ पर एक पर्यटन की दृष्टि से एक जगह की खोज हुई है, तो देखते हैं आगे शासन प्रशासन जो है कितनी देर में यहाँ पर पहुँचता है ताकि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। कोरोना काल में अद्भुत प्राचीन कालीन साक्ष्य मिलना लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कई लोग दर्शन के लिए गुफा के पास पहुंच रहे हैं और सभी स्थिति सामान्य होने की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही पुरातत्व विभाग से इन गुफाओं को संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।